हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, सत्य अकाल, केम चम्मा जमा। आज के व्लॉग में आपका सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ HY व्लॉग्स। मैं हूं यस सर। अभी नहाए तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो काम तो चलते रहते हैं बहुत तेजी में हमारे यहाँ फरीदाबाद में। और फिलहाल का सीन ये कि मैं हूँ उस टाइम छत पे और जरा राउंड मारने के लिए आ गए। काफी दिन हो गए थे छत पे आए हुए, मैंने सोचा थोड़ा सा राउंड ही मार लेते हैं, क्योंकि अपनी छत पे ना घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे, जगह भी तो होनी चाहिए ना। सो भाई नजारा देखो इस टाइम काफी बेहतरीन, चारों तरफ बादल बादल हो रहे हैं आज तो, और ये अपने गांव की हरियाली है काफी बेहतरीन, ठीक है। तो धूप भी बहुत तेज हो रही है भाई। नीचे नजर मार के देखो अपनी गाड़ी, वाओ क्या बेहतरीन लगा ऊपर से भाई। गाड़ी तो है, लुक तो है, इसमें जो बात है तो मान लो कि जो इंडिया की जी वैगन है भाई, सब जी वैगन तो कम ना, इस सेगमेंट में इतनी तगड़ी गाड़ी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। चलिए फिलहाल का सीन ये है कि हम आए हैं, मैं और पापा इस टाइम थेरेपी करवाने पापा के लिए, ठीक है। तो थेरेपी करवाने के बाद फिर निकलेंगे घर। बाकी तो ये है कि कुछ दिन पहले हमारे साथ हुआ था, एक क्या कहते हैं, पुलिस वाले ने रोक लिया था हमें, और चक्कर में पुलिस वालों ने हमें रोका था गाड़ी के चक्कर में कि तुम्हारी गाड़ी में लाइट लग रही है ऊपर, और इसका तो चालान कम से कम 10,000 रुपए का चालान कटेगा, ये होगा वो होगा फलाना वलाना, पता नहीं क्या क्या मतलब बकवास कह रहा है कि तुमने पीछे मरकार लगवा रखा है वो अलाउड नहीं है, इसका भी 20,000 का चालान है, पता नहीं क्या मतलब। ये कि मैं पैसा हटना है कैसे बैठ, तो इतना हम धैर्य पे करवा ले। चलिए भाई लोगों घर आ गए हैं और मैं इस टाइम बैठा हूँ अपनी छत पे, और गाड़ी देखो अपनी ये खड़ी यहाँ पे, और इधर चल रहा है रोडों पे काम, सारी रोड जो है वो गई है टूट, ये इधर से तो ये रोड का काम चल रहा है। फिलहाल मैं अपनी छत पे बैठा हूँ घर की में, और थेरेपी करवा के आई गए थे हम। बाकी तो काम ऐसा है कि कुछ दिन पहले हम गए थे जरा काम से सोना, वहाँ से लेके आए थे ग्रीस की बाल्टी अपनी JCB। तो भाई देखो वो रखी, देखो वो रही, दो बाल्टी उधर है और एक बाल्टी इधर की साइड और रखी, तो ये तीन बाल्टी थी जो हम सोना से लेके आए थे ग्रीस की JCB के। तो साथ ही साथ जब हम गए थे वहाँ पे तो हमारे साथ होगी थी एक हादसा, हादसा तो खैर नहीं कह सकते, मतलब ये था कि पुलिस वालों ने हमको लिया था पकड़ वहाँ पे, और वो इसलिए पकड़ा था कि वो कह रहा था कि आपकी जो लाइट है, जो मशीन इसकी बुलेरो की जो आगे लाइट है, इनका चालान कटेगा, और पीछे तो लगा रखा है ये मरगार्ड, ये देखो ये वाली मरगार्ड और आगे जो लाइट लग रही है वो दो, कह रहा था जी इसका कटेगा चालान, और लाइट का चालान 10,000 का और पीछे मरगार्ड का जो बम्पर लगाया उसका चालान कटेगा 20,000 का। तो मतलब क्या है कि जब हम पहले गाड़ी चलाते थे लोकल नंबर थी जब हमारी HR नंबर, जब उसको कोई नहीं रोकता था, बट जब अदर स्टेट नंबर आ गया तो इसको सब रोक रहे हैं, तो ये पुलिस वालों ने करा था। बाकी तो हमने उससे कही, काफी बातचीत करी कि मैंने ज्यादा तो खैर बहसबाजी नहीं करी, बट हाँ उससे समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, हम करते हैं उत्तराखंड में काम, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट का काम होता था उस चक्कर में हमने लगा रखी है, तो मतलब ज्यादा बातचीत होने के बाद वो मान गया था, हमें छोड़ दिया था। बट उसने छोड़ा कैसे पहले वो देख लो, ज्यादा मैंने क्लिप बनाई नहीं क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ऐसे, बट थोड़ी बहुत क्लिप है वो देख लो जरा क्या हुआ। नहीं गुस्सा वाली बात नहीं, बहुत हकीकत मैं तो उस दिन से सर दर्द कर लिया, जिस दूसरे गाड़ी दे रहे पे गुस्सा कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ। ये सारे काम तो चलते ही रहेंगे, धक्का पेल जीवन में ऊंच नीच सब चलती रहेगी। तो भाई फिलहाल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा आना है एक पार्सल, तो मीशो से मंगाया था मैंने, तो अभी तक तो पहुंचा नहीं है, आज 11 तारीख है तो आज की डिलीवरी दिखा रहा था वो, बाकी देखो कब तक पहुंचता है। काफी बेहतरीन आइटम मंगाया मैंने, बट ये है कि जो मंगाया वही आता है कि नहीं आता है ना, तो फिलहाल के लिए तो टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है, देखो टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 2:30, तो टाइम काफ़ी हो गया, क्या पता शाम तक आए या फिर अब लंच टाइम में आ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। वैसे फरीदाबाद में वो पहुंच चुका है बट अभी आउट ऑफ डिलीवरी के लिए नहीं निकला है, तो देखो जब तक आता है तब तक वेट करते हैं, जब आएगा जब दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग करके कितना बढ़िया आइटम। तो चलिए भाई अब नीचे चलते हैं, पार्सल वाला तो होता रहेगा बट अब मेरे को करना थोड़ा सा काम, थोड़ा सा जो हमने एक सामान बनवाया था, हमने जो हमारा पीछे का एरिया खाली था ना तो उसके ऊपर के लिए जाल बनवाया, तो उस पर मैं करूँगा पेंट, ठीक है। तो जब तक इतने पार्सल वाले आते हैं तो मैं पेंट कर लेता हूँ। शाम हो चुकी है और मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा है,
मेरा ऑर्डर आना था आज, और हमारी माता जी बना रही है खीर, समा के चावल की खीर है ना मम्मी जी, कसम मुझे बुरा लगा। अच्छा ऑर्डर ये ले बस। अरे एक ऑर्डर आना था, मैंने वो मंगाया था एक चीज, तो वो आनी थी, मैंने वो मंगाया था एक चीज। हाँ अरे यार मम्मी जी आप बस क्या बताओ, आप समा के चावल की खीर बना रही हैं क्योंकि हम सबका व्रत है आज, है ना, इसीलिए बन रहा है। देख दोबारा देख सकन, बस हो गया। हमारी माता जी शर्माती है, वो नहीं चाहती कि उनकी खूबसूरती कोई देखे, इसलिए हमारी माता को थोड़ा सा लगता है ना ऐसा अजीब सा लगता है। हाँ ये तो पॉइंट है कि हमारी माँ नहीं चाहती कि उसकी सुंदरता को कोई देखे, तो इसीलिए ये अपने चेहरे को बहुत ही ढक्के रखती है, छुपा के रखती है, देखो इसीलिए रखा है। कोई नहीं भाई, हम जा रहे हैं छत पर और हम तेरे को दिखाएंगे ऊपर के नज़ारे जो हमारे घर के बाहर हो रहे हैं। मतलब ऐसा मुजस्सिमा जुड़ा हुआ, ऐसा क्या कहते हैं उसको, क्या कह करें, महफिल जमी हुई है कि लोग इकट्ठे हो रखे हैं हमारे घर के पास, क्योंकि वहाँ बन रही है मेन रोड, तो उस चक्कर में आपको दिखाते हैं कि कितनी पब्लिक जुटा रखी है हमने। ओ अभी मैं पहुँच गया हूँ छत पर और अब दिखा दो तुमको पब्लिक। अरे वाओ भाई साहब, पहले ये देखो नज़ारे, मतलब सनसेट हो रहा है ना उधर की तरफ से, तो उधर की तरफ से देखो बादल कैसे दिख रहे हैं, इतने मस्त बेहतरीन। और साथ ही साथ देखो इधर चल रहा है काम, और काम ऐसा चल रहा है कि पूरे दिन से यार रोड बन रही है और हल्ला मचा रखा है ताऊ ने, और यार ताऊ ने ऐसा हल्ला मचा रखा है कि जो हमारे घर की जो खिड़की विंडो है ना वो भी भर 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 कर रही है, कांपन लगी विंडो भी। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अपना पार्सल है वो आज नहीं आ पाया, मतलब टाइम दे रखा था उसको आज का 11 तारीख दे रखी थी, तो आज के टाइम पे भी नहीं आया, तो पता नहीं यार अब कब आएगा। मतलब सामान तो थोड़ा ना मेरे ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही है, बाकी तो खैर देखा जाएगा, बट मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा भाई। एक बात जो मैं बताऊँ, काफ़ी एकदम बेहतरीन मौसम, ये देखो माय डियर भोले, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा आपका जो इलेक्शनों का दौर था, वो कैसा चला? कुछ नहीं हुआ। तो क्या तैयारी थी आपकी इलेक्शन को लेके? अच्छा जी, अच्छा कोई ना है। हाँ जो मतलब क्या है, जो इलेक्शन अच्छा। अंशुल जी आपका क्या कहना है इलेक्शन को लेके, इसने तो अपनी राय रख दी, आप बताओ। इसके नीचे जमीन खिसक गई है भाई। सामने चल रहा है देखो रोड रोलर, और अभी एक दृश्य है जो हम सब ने महसूस करा है। करा महसूस? कैसा महसूस करा? ज्यादा हिला ना, अभी रुक जाओ और नजदीक आंदे जब पता लगेगा। तो भाई हमारी माँ ने बनाई है खीर, समा के चावल की रबड़ी बना दी, खीर है क्या इसको, खीर कहते हैं हाँ? कड़ी तो कहना है। इसको खीर कहते देखो, ओ माय गॉड क्या गजब, क्या ही गजब। पर ये तो थोड़ी है, और फालतू बनानी थी तुमको ये, और अब बन रही है आलू की टिक्की है ना, मेरे मुंह में बन रही है, ये बन रही, ये बन रही, तुमसे नहीं कह रहा मैं कुछ भी, दिखा रहा हूँ मैं, तुम्हारी कढ़ाई भी चल रही है, ये बन रही हमारी माँ के द्वारा। इनके लिए घोल ये डाला कूटू, क्योंकि ये ज्यादा पानी हो गया था, इसमें बारीक ज्यादा हो गया था, तो इसको मोटा कर रहे हैं। देखो इसमें कुछ कण गिरा है, और जो टिक्की ये रही आलू की बर्थ की, और बर्थ की कूटू का मात्रा में अब ये बनेगा, और मच्छर उड़ते दिख रहे हैं मेरे को लाइट में। ये देखिए वाओ वंडरफुल, गोल गोल चंदा काट दिए हमारी माँ ने पकौड़ी के, अब क्या वो नहीं काटे जब फिंगर चिप्स वाले कटते हैं ना लंबे लंबे पतले पतले, ऐसे ही गोल गोल चंदा, वाओ वंडरफुल। ये देखो फूल चुके हैं, इतना क्यों फूल चुकी हैं ये।